नमस्ते ट्रेडर्स, क्वांटसैप में आपका स्वागत है। मेरा नाम वरुण है और हम सब जानते हैं कि ऑप्शंस के डेटा पॉइंट्स को ट्रैक करके हम अंडरलाइन के मूव को एंटिसिपेट कर सकते हैं। बट अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि क्या आप उन ऑप्शंस में हो रहे एक्टिविटी को ट्रैक कर पा रहे हो, दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत से लोग इसका जवाब ना कहेंगे। तो इसी चीज़ को ट्रैक करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन टूल है, जो है हमारा अनयूजुअल ऑप्शन एक्टिविटी टूल। तो आज हम उसी टूल के बारे में सीखेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो अनयूजुअल ऑप्शन एक्टिविटी को ओपन करने के लिए आपको बस हमारे ट्रैक ऑप्शन में जाना है और ट्रैक ऑप्शन में आपको ऑप्शंस ओआई के अंडर अनयूजुअल ऑप्शन एक्टिविटी दिख जाएगा। तो आप इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हो। एज द नेम सजेस्ट, बहुत ही सिंपल टूल है। ऑप्शंस के अंदर जो अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है या अनयूजुअल चेंज हो रहा है, उस चीज को ट्रैक करने के लिए ये टूल बना हुआ है। अभी यहां पर अगर आप देखो तो यू कैन सेट सिग्नल टाइप। तो आप एग्जैक्टली फिल्टर कर सकते हो कि मुझे सिर्फ प्राइस में जो चेंज आ रहे हैं अनयूजुअली वो देखने हैं, या ओआई में, या वॉल्यूम में, या आईवी में देखने हैं, या फिर अगर आपको सारे चेंजेस देखने हैं तो आप ऑल पर सेट कर सकते हो, जैसा मैंने किया हुआ है। ऑप्शन टाइप पर अगर आप क्लिक करो तो आप या तो फ्यूचर्स का डेटा चेक कर सकते हो या फिर ऑप्शंस का डेटा चेक कर सकते हो, ठीक है। और फाइनली बिल्टअप टाइप आपको एक नरेशन देता है। For those of you who don't know, built-up बस futures price या फिर options premium और उसके open interest का correlation होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर built-up में specify की गई है। अभी अगर आपका एक watchlist है specific, तो आप यहाँ पर add symbol में जाकर अपना symbol और उसकी expiry date जाकर add कर सकते हो। या फिर अगर आपको throughout the market पूरे equity derivative के basket को अगर आपको जाकर track करना है, तो यहाँ पर आप जाकर check कर सकते हो। तो पूरे equity derivative का बास्केट आप यहां पर ऑल पर लगा सकते हो। तो जितने भी एक्सपायरीज है जो अभी ट्रेडेबल है और जितने भी स्क्रिप्ट्स है, प्रिसाइसली 187 स्क्रिप्ट्स जो हम कहते हैं, वो सारे स्क्रिप्ट्स का डाटा यहां पर दिख जाएगा। तो मैंने प्रिसाइसली वही लगाया हुआ है, ठीक है। अभी यहां पर अलग अलग कॉलम्स हैं, तो सारे कॉलम्स आप अगर नहीं भी देखो तो इट्स फाइन, बट मैं बता देता हूँ। सबसे पहला कॉलम इज सिग्नल टाइप। सिग्नल टाइप मतलब प्राइस, ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम या आईवी, किस टाइप का सिग्नल है, किस पर्टिकुलर फील्ड में अनयूजुअल चेंज आया है, वो आपको यहां पर पता चल जाएगा, ठीक है। देन वी हैव सिंबल, ठीक है, स्टॉक का नाम। देन वी हैव एक्सपायरी, तो कौन से एक्सपायरी में प्रिसाइसली अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है वो आपको पता चल जाएगा। देन वी हैव स्ट्राइक, तो अगर कोई पर्टिकुलर ऑप्शन है तो उसका स्ट्राइक लिखा हुआ आएगा। देन वी हैव टाइप, तो कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, या फिर यहां पर फ्यूचर्स लिखकर आ जाएगा। अगर फ्यूचर्स में कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी हो रही है तो फ्यूचर्स लिखकर आएगा। देन वी हैव सिग्नल प्रीवियस वैल्यू एंड सिग्नल करंट वैल्यू, तो जब सिग्नल जनरेट हुआ था वो वैल्यू यहाँ पर है, और करंट वैल्यू क्या चल रही है अपडेट होने के बाद, वो आपको सिग्नल करंट वैल्यू में दिख जाएगा। परसेंटेज चेंज आप देख सकते हो, जैसे लेट्स से अगर आई वी बढ़ा है या फिर वॉल्यूम बढ़ा है या फिर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है या फिर घटा है, तो उसका परसेंटेज चेंज आपको दिख जाएगा। उसी पर्टिकुलर ऑप्शन या फिर फ्यूचर्स का प्राइस चेंज दिख जाएगा आपको, प्राइस चेंज परसेंटेज। एंड फाइनली वी हैव बिल्टअप टाइप, तो बिल्टअप टाइप आपको बताएगा कि उस पर्टिकुलर ऑप्शन में नरेशन क्या चल रहा है, तो वेदर इट्स फॉलोइंग अ लॉन्ग बिल्टअप और अ लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट और अ शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स है, तो ये लाइव रिफ्रेश होता है, तो इसीलिए आपको एग्जैक्ट टाइम फ्रेम्स दिखते हैं टाइम स्टैम्प्स के साथ। और यहाँ पर हमने एक्शंस दिए हुए, तो अगर आप किसी हमारे ब्रोकर के साथ इंटीग्रेटेड हो, आप डायरेक्टली यहीं से बाय एंड सेल कर सकते हो। सो दैट्स अ वेरी निफ्टी फीचर एज वेल, ठीक है। अभी इसको यूज़ कैसे करना है, तो ऑब्वियसली मुझे यूज़ केस बताना पड़ेगा इस केस में। तो यूज केस बताने के लिए मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, तो मेरे सेटिंग्स बता देता हूँ। तो सिग्नल टाइप मैं ऑल पर सेट कर देता हूँ, बिकॉज मुझे जो चारों फील्ड्स है वो चारों फील्ड्स में जो अनयूजुअल चेंज आ रहा है वो ट्रैक करना है। ऑप्शन टाइप में मैं नॉर्मली कॉल और पुट लगा लेता हूँ, बिकॉज मुझे फ्यूचर्स का डेटा देखना उतना मायने नहीं रखता। और फिर बिल्टअप टाइप में मैं जाकर सिर्फ शॉर्ट कवरिंग सेट कर लेता हूँ। ऐसा मैंने स्पेसिफिकली क्यों किया है, बिकॉज मुझे देखना है कौन से ऑप्शन में पूरे FNO बास्केट जो है, पूरा इक्विटी डेरिवेटिव्स का जो मार्केट है, उसमें कौन से ऑप्शन में शॉर्ट कवरिंग मूव्स आ रहे हैं, वो मुझे कैप्चर करना है। तो शॉर्ट कवरिंग, फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, ओपन इंटरेस्ट कम होता है और उसका प्राइस बढ़ता है। तो मुझे देखना है कि कौन से पर्टिकुलर ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सेलर्स कहाँ पर स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। सेकेंडली, उस ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, तो इसीलिए मैं शॉर्ट कवरिंग सेट करता हूँ। तो आज के दिन पर हम देख सकते हैं देर आर फोर सिग्नल्स, ठीक है। दो सिग्नल UPL के हैं, जो 510 का स्ट्राइक है उसके पुट ऑप्शन, कुछ है REC का, गुजरात गैस और ग्रैन्यूल्स का। तो आप यहाँ पर उसके स्ट्राइक देख सकते हो, एक्सपायरी देख सकते हो और उसका टाइप भी देख सकते हो। अभी सिंस आज ओवरऑल बाजार नीचे गिरा है, इसीलिए ये
पांच ऑप्शंस है अगर आप देखो तो, ये पांच सिग्नल्स है, सारे पुट ऑप्शंस है जहां पर शॉर्ट कवरिंग मूव आया है। तो इसीलिए इस चीज को आप ट्रैक कर सकते थे और इसी चीज में आप जाकर फिर ट्रेड बना सकते थे। सो दिस इज हाउ आई नॉर्मली यूज इट। सिग्नल्स लाइव चलते रहते तो आपको जाकर उसमें ट्रेड बनाने के लिए भी इफेक्टिव होता है। ठीक है, दैट्स इट फॉर मी देन। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू गाइज एंजॉयड। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड हैव अ ग्रेट डे।